अरे बाप रे। हेलो हेलो भैया, इधर इधर। मैं पहली बार ऐसे हालात के साथ किसी व्यक्ति को देख रहा हूँ जो कचरे पेटे के डब्बे में वो काफी टाइम से इधर रह रहे। मुझे व्हाट्सअप मिला था। कितने टाइम से आप जानते हो अंकल? डेढ़ दो महीना से। हाँ, इधर ही खाना खाता है, इधर ही पड़ा रहता है। तो उसके परिवार में कोई नहीं है? कहाँ से आया, क्या आया, कहाँ से, कुछ मालूम ही नहीं है। उसको बोलता भी नहीं है ना वो। खाना देते है, वो खाता है, बस सो रहता है। अच्छा, उसका नाम वगैरह? कुछ बान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत कम उम्र लग रही है मुझे। हाँ, छोटी उम्र में है। हेलो भैया, कैसे हो? इधर बाहर आ जाओ, लो हाथ देता हूँ मैं। दोस्तों, हालात बहुत गंभीर है और आप सोचिए कि इतनी गंदगी के साथ कौन कैसे व्यक्ति जी सकता है। उम्र बहुत कम लग रही है मुझे और कितने काफ़ी टाइम से यहाँ पे बता रहे हैं स्थानिक व्यक्ति कि 2 महीनों से यहाँ पे रह रहा है। ये कौन सी जगह है अंकल? भगवती। कौन सा एरिया है? ला विला एपीएल थिएटर। ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक डाकोर उमरेठ रोड पे भगवती रेसिडेंसी ला विला। रोड कौन सा है? डाकोर रोड पे। डाकोर? हाँ, डाकोर उमरेठ रोड पे। अच्छा, यहाँ से डाकोर कितना है? 4 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर। ओके, आप वहाँ से चले जाओ ना, शायद वहाँ से। हेलो, इधर आओ, बाहर आओ। चलो बाहर आ जाओ। बाहर आ जा, लेट। चल बाहर आओ, अपना जगह नहीं, मर भाई बंद है यार, तू आओ करान। लेट बाहर आ, अपना जो गाड़ी आई, जो गाड़ी लाओ मोटी। इधर 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 आ जाओ, बाहर आ जाओ। आई जाओ, बारह आई जाओ। माँ भाई ने कागल ना खा, भाई ना दे कागल फेंक दे। चलो बारह आई जाओ, बारह आओ, आई जा। अपने जवान नहीं, फरवा नहीं जानू तो पची फरवा जानू। अरे एकदम हीरो छे यार, आ तो बारह आओ, बारह इधर बस इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका भैया? एक कागज फेंक दो, मैं आपको दूसरी चीज खाने की देता हूँ। क्या नाम है आपका? चा पीवी। चलो हम चाय पीते, चलो साथ में आ जाओ। चाय लेता हूँ, चलो आ जाओ, चलो साथ में चाय पीते, आ जाओ। याद हो रहा, चलो भाई हम साथ में चाय पीते, चलो आ जाओ, चलो खड़े हो जाओ, रुको रुको। बस आराम से बैठ जाओ, बैठ जा। दोस्तों, कितने टाइम से जानते हो भैया? 2 महीना यही रहते ला, आया जा रहा जा, खा पीवानो बजू वाली है। कचरा पेटी में कचरा पेटी में कपड़ा वाली है तो भी नहीं पहनता भाई। मने काले ये खाओ के मर जाऊ छे के हमें चल में किधर ली जिए। એટલે બોલી શકે છે? બોલે છે, માં જોડે વાત કરે પણ આને બતાય એટલે નહીં વાત કરતો। અચ્છા, ડરી ગયા છે? ડરી ગયા છે। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से शायद हम पाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कम उम्र के व्यक्ति लग रहे हैं मुझे तो। चलिए पूरा एपिसोड देखिए, शेयर कीजिए आपके सभी ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो मच। भाई के हालात आप थोड़ी नज़दीक से आके देखिए, इधर लाइए कैमरा। और काफ़ी टाइम से वो नहाए नहीं है और शर्ट का पूरा कलर भी बदल चुका है और नाखून से लेके सर तक
कचरे पेटी में रहते थे, तो उसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा केस देखा है कि वो भाई इतनी कम उम्र में मानसिक रूप से थोड़े, मुझे पता नहीं वो थोड़े बीमार है, बट शायद उसके परिवार तक हम पहुंच सकते। तो मेरे हिंदुस्तान से जितने भी भाई लोग देख रहे, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिसकी माध्यम से हम उसके परिवार तक पहुँच जाए। आपके नाखून दिखाए ऐसे, उसके नाखून भी देखिए आप, और इतनी गंदी हालत के साथ वो कचरे पेटी में रहते थे, कचरा पेटी में रहते थे। बट चलिए कोई बात नहीं, हालात में थोड़ा बदलाव लाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। दोस्तों आप नजदीक आइए और आप देखिए कि कितनी गंदी हालत हो गई है। काफी टाइम से वो कचरा पेटी में रहते थे, उसकी वजह से सर की हालत पूरी बिगड़ी हुई है। काफी टाइम से वो नहाया नहीं, इतनी दुर्गंध आ रही है। बट वो अपना नाम नहीं बता रहे, इसलिए थोड़े हम कंफ्यूज है। मुझे लग रहा है वो थोड़े सपने में है, क्योंकि पता नहीं रहे अपने नाम। आप जानते हो अपना नाम है? मुझे लग रहा है वो मेरी बात सुन तो सकते हैं बट वो बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं। मैं शर्ट निकाल दो। निकाल दो। दोस्तों ये शर्ट के हालात देखिए आप, कि इतनी गंदी हालात के साथ वो काफी दिनों से वहां पे रहते थे। मैं हर बार हमारी टीम की साइड से हम यही कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को समझने के लिए थोड़ी सी उसकी भावनाओं के साथ जो हम समझेंगे तो व्यक्ति को बदलाव हम ला सकते हैं। ये पेन निकाल दो, निकाल दो, बस निकाल दो। ये पानी डालो, फेरो हाथ। भैया कौन सा दाव है मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दोस्तों आदमी बदलना जरूर चाहता है, बस उसको एक अच्छे से हम कुछ भी सुविधाएं प्रोवाइड कर दे, तो उसको जो एक राह मिल जाए तो आदमी बिल्कुल बदल सकता है। भाई ने काफ़ी टाइम से वो नहाए नहीं थे, तो वो खुद अपनी साफ सफाई कर रहे थे। किसी भी व्यक्ति को हम सिर्फ एक बार जो राह दिखा देते हैं तो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। भाई की उम्र बहुत ही कम लग रही है मुझे, मुझे लग रहा है वो 15 से 16 साल का ही लड़के की उम्र का है, और इतनी कम उम्र में घर से दूर हो जाना और कचरे पेटी में रहना तो बहुत ही गलत बात है। बट चलिए कोई बात नहीं, शायद उसके परिवार तक जो पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। पूरे हिंदुस्तान से जो भी लोग देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए वीडियो को और आपके सभी ग्रुप के अंदर फैला दीजिए। थैंक यू। ये लो टी शर्ट पहन लो। डालो, हाथ डालो। देखो दोस्तों खुद का काम वो खुद कर रहे हैं, समझदार है, सब कुछ समझ सकता है। बट हम लोग शायद हमारे आसपास लोगों की वेदनाओं को समझते नहीं है। हम अपनी जिंदगी में इतने मस्त हो गए कि खुद के बारे के सिवा दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहे कि हमारे आसपास कैसे लोग रह रहे हैं। जिंदगी हमें ही नहीं दी है, आसपास लोगों की मदद करने के लिए भगवान ने हमें इस जन्म को दिया है। बराबर है, चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाथ पे इस अच्छे से बैठ जाइए आप, बस। अभी क्या नाम बताया आपका? शिवम। कहाँ से हो शिवम भाई आप? कहाँ से हो? गांव का नाम बता सकते हो? कौन सा राज्य से हो आप? गुजरात से हो? गुजरात में कौन सी जगह? गुजराती आवड़ेस है? आवड़ेस है। शू नाम से तुम्हारू? भाई ने अपना नाम बताया है शिवम, और वो अपनी जगह के बारे में नहीं बता रहे। बट चलिए कोई बात नहीं, जो इतना मालूम हो गया तो उसके परिवार तक हम पहुंच जाएंगे। मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप वीडियो को शेयर करोगे और जिसके माध्यम से उसके परिवार तक हम पहुंच जाएंगे।
अभी उसके बॉडी पे और कोई निशान नहीं है और कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बट चलिए कोई बात नहीं, उसका चेहरा आप अच्छे से देख लीजिए नज़दीक से आके कि कितनी कम उम्र है और उसकी उम्र कम होने के कारण वो शायद अपने परिवार से दूर हो गया है। तो बहुत ही बुरी कंडीशन के साथ रहते थे, बट आपके सपोर्ट की वजह से शायद हम ऐसे प्रभु जी को उसको एक नई जिंदगी दे सकते हैं। और हमारा जो सोशल मीडिया आश्रम बन रहा है कि ऐसे प्रभु जी जो रोड पे रहते हैं जिसका कोई नहीं होता है, तो वैसी एक बहुत ही बड़ी विशाल जगह पे एक बहुत ही बड़ा आश्रम बन रहा है और हिंदुस्तान का एक नया विचार आपके समक्ष हम रख रहे हैं। तो बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए, आप सपोर्ट करते रहिए। फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नए एपिसोड के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, और सोशल मीडिया आश्रम पे जरूर आना एक बार।